You're a superhero. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के अपकमिंग अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक पिक्चर को आप देखिए जो कि डेवलपर्स द्वारा शेयर की गई है, जिसमें उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है कि इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में कौन कौन से अपडेट आएंगे। हालांकि इसका अभी सीक्वेंस तय नहीं हुआ कि कौन सा अपडेट पहले आएगा और कौन सा बाद में, लेकिन ये जो भी अपडेट इस लिस्ट में मेंशन्ड हैं वो कन्फर्म्ड हैं और एक के बाद एक आएंगे। जैसे कि रियलिस्टिक साउंड अपडेट आएगा, एच 12 शंटिंग चैप्टर और भी कई बहुत सारे फीचर्स, डोर व्यू कैमरा और इसी के साथ और भी कई फीचर्स आएंगे। जैसे कश्मीर वैली रूट को कस्टम मोड में ऐड किया जाएगा, न्यू एंड रियल हॉर्न्स ऐड किए जाएंगे और एक सबसे बड़ी बात जो बहुत सारे यूज़र्स एक प्रॉब्लम फेस करते हैं जो कि है लैग और क्रैश इशू, इसको सबसे पहले फिक्स किया जाएगा। और इसी के साथ डेवलपर्स ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे हम अपडेट्स रिलीज़ करते जाएंगे, एक एक करके सभी रूट्स रीडिज़ाइन हो जाएंगे। जैसे चेन्नई बेंगलोर रूट को रीडिज़ाइन किया गया और डेवलपर्स का ये भी कहना है कि WAG-12 लोकोमोटिव, लेकिन उसको रिलीज़ करने से पहले वो यूरो ट्रेन सिमुलेटर 2 में एक फ़ीचर की टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर वो फीचर अच्छा लगता है पब्लिक को तो वही फीचर इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में भी रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन उस फीचर के रिगार्डिंग अभी तक डेवलपर्स के द्वारा कुछ भी बताया नहीं गया। तो हम इसके बाद एक एक करके बड़े से बड़े अपडेट आएंगे और डेवलपर्स यहां तक भी कह रहे हैं कि हो सकता है सीज़न 3 या सीज़न 4 में DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का एक अलग से रूट बनाएंगे, जिसमें हो सकता है WAG-12 रिलीज़ हो जाए। डेवलपर्स के मुताबिक पहले उन्होंने सोचा था कि सिमुलेटर यूरो ट्रेन सिमुलेटर 2 इंडोनेशियन ट्रेन सिमुलेटर के अपडेट्स को फरवरी के मंथ में एक एक करके रिलीज़ करेंगे, लेकिन किसी टेक्निकल इशू के चलते उनको ये अपडेट्स के रिलीज डेट को मार्च तक पोस्टपोन करना पड़ा। और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक तक इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में कोई नया अपडेट आ जाए। डेवलपर्स का ये भी कहना है कि इंडियन लोकल ट्रेन सिमुलेटर और इंडियन बस सिमुलेटर को वक्त तक उनके कोई भी नेक्स्ट अपडेट्स प्लान नहीं किए गए हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस इंडोनेशियन ट्रेन सिमुलेटर, इंडियन ट्रेन सिमुलेटर और यूरो ट्रेन सिमुलेटर 2 को अपग्रेड करने में है। और शायद अगर आपको याद होगा कि हाइब्रो इंटरेक्टिव ने कुछ समय पहले एक ट्रक रेसिंग गेम का पोस्टर रिलीज़ किया था, लेकिन डेवलपर्स ने अभी ये साफ कर दिया है कि वो गेम कोई ऑफिशियल गेम नहीं थी, जस्ट एक टेस्ट के तौर पर। और ट्रेन स्टेशन टाइकून गेम जो आपको पता होगा कि वो भी एक अंडर डेवलपिंग गेम है हाइब्रो इंटरेक्टिव द्वारा, इस गेम के भी रिलीज डेट के बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है डेवलप के मुताबिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।